गुरु। अरे अंकल यहाँ क्यों आ गए? मेरे बिना ये शादी कैसे होती गुरु? मैं ना होता तो भी शादी हो जाती। शादी मेरी और शैलू की नहीं हो रही, उसके किसी और के साथ हो रही है। लड़का अभी यूएस से आया है। वो साला कहीं से भी आया होगा। रुको, तो उसके बीच में साला यूएस लंदन वाला कोई नहीं आ सकता। चलो बात करते हैं। क्या बात करेंगे अंकल, मैं शैलू से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, बेचारी बोल नहीं पाती, प्लीज हमारी शादी करवा दो। ऐसा कहेंगे तो दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चुपचाप घर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, और तुम्हें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि तुम समझ पाओ। सो कूल, मैं संभाल लूंगा। ओके, तो मैं यहां से जाता हूं। अरे अभी कहां जाओगे? यही तो बात है ना, आया तो प्रॉब्लम, जाऊं तो प्रॉब्लम। तुम बैग उठा के ऐसे आए हो जैसे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे हो। अब तुम यहां से गए ना तो उन लोगों को डाउट हो जाएगा। तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मेरी इंक्वायरी होगी और प्लान पर पानी फिर जाएगा। सो यहीं रहो। मुझे किसी ने कुछ पूछा तो? कोई तब पूछेगा जब तुम जाके मुंह लगोगे ना। बस यहीं टिके रहो, मर जाओ पर सच मत बोलना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर मेरी जान चली जाए तो भी कोई गम नहीं। दीदी अशोक से कॉल करके बात करो। हाँ श्रीकांत। श्रीकांत? हाँ, मेरे सारे स्केचेस रेडी हो गए हैं, मैं एक्चुअली डिजाइनिंग शुरू करने वाला हूँ। ये तुम क्या बोले जा रहे हो, तबीयत तो ठीक है? जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो लगता है क्या नाम रखा है माँ बाप ने। हरी प्लीज, यहाँ रहकर अपना वक्त मत बर्बाद करो, चले जाओ यहाँ से। मुझे जाने बिना तुम्हें लगा मैं तुम्हारी दोस्त की शादी करवा सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। मैं फिर से कहती हूँ हरी, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, पर ये कभी नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अगर मेरे साथ रहना पसंद है तो मतलब मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती इस बहस में नहीं पड़ना है मुझे। तुम्हारी सिचुएशन समझ में आ गई इसलिए आया। कौन सी सिचुएशन हरी? 10 दिन बाद मेरी शादी है। एग्जाम कल हो तो मैं रात भर पढ़ाई करके पास हो जाता हूँ। हमारे पास तो 10 दिन है, गारंटीड डिस्टिंक्शन। जो नहीं हो सकता उसकी उम्मीद मत रखो। तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें मेरी फिक्र है, यही मेरे लिए बहुत है शैलू। इसी को मैं प्यार कहता हूँ। सबका नाश्ता हो गया तो चले? हाँ चलो। तुम अब तक तैयार नहीं हुए? कहाँ जाना है? शॉपिंग। मेरी शॉपिंग हो गई। पर कब? अभी अभी, मैंने ऑनलाइन खरीद लिया। आप लोग शॉपिंग कराइए। शादी करने खुद ही आओगे या वो भी ऑनलाइन कर लोगे? हाँ तो चलें। श्रीनिवास अंकल नहीं आ रहे?
अंकल की स्टोर के मालिक से बात हो गई है, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अंकल, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं। हम जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहें तो शैलू कभी नहीं भूलेगी। शादी के बाद सब बदल जाएगा। दिवाली होली पर आप घर आकर शैलू को बस फोन करके उसका हालचाल पूछेंगे, महंगे तोहफे भेजेंगे, उन्हें बधाई देंगे, बस शैलू की शादी का पूरी तरह हिस्सा बन सकते हैं। मौका मत गवाइए। वैसे कार में जगह है? हरी कहाँ है? ये वाला देख भाभी, ये वाली सुंदर है। चलो बाबू, हाँ जी, जितनी भी वैरायटी है सब दिखाओ। ओके, हाँ। कुछ ब्राइट कलर्स दिखाइए ना। ओके। लाल रंग में नहीं है, है ना मैम? ये देखिए। हाँ, हाँ, ये पिंक साड़ी बहुत अच्छी है। बॉर्डर देखो शैलू पर, ये रंग बहुत जच रहा है भाभी। हाँ, ये लेते हैं। वाह, क्या चॉइस है तुम्हारी यार, मेरी बहन पर अच्छा लगेगा। अभी खरीद लो। कार्ड कहाँ है तुम्हारा? रुको, क्यों? मेरे पैसों से मेरी बहन को गिफ्ट दोगे? अब एक नेल पॉलिश तक का पैसा नहीं दूंगा। काफी स्मार्ट हो गए हो। आओ, भाभी वाली साड़ी अच्छी है ना? इसे भी पैक करा लें क्या? ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए। बॉस एक मिनट, शैलू तुम्हें साड़ियाँ पसंद आई? सब अच्छी है तो पसंद क्यों नहीं आएंगी? सुंदर दिखना एक बात है, पसंद आना दूसरी बात। जिसके लिए ले रहे हैं उससे पूछ लो। शैलू, तुम्हें पसंद है? तुमने बताया क्यों नहीं बेटा? उसने ना बोला तो आप पूछ लेती आंटी। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? दुल्हन को साड़ियां पसंद नहीं है, जल्दी और साड़ियां दिखाओ। चलो चलो। ओके सर। वो वाली दिखाना। हाँ। जो तुम्हें अच्छी लगे हम वही लेंगे। शादी दो आत्माओं का मिलन है। हाँ, कोई समझौता नहीं। प्लीज प्रेशर में आके मैं कीर्ति से बात करती हूँ। मैं बताती हूँ ना। ओके। शैलू, बस ना आए तो हम लोग ऑटो में बैठ के जा सकते हैं। अगर ऑटो भी ना आए तो किसी से लिफ्ट मांग सकते हैं। लेकिन किसी एक से प्यार करके दूसरे से शादी करने में लोचा ही लोचा है। डोली में बैठ के लवर के घर निकल जाना चाहिए। अगर अपुन तुम्हारी जगह होता ना सिस्टर, तो एक मंडप में हरी से 7 नहीं 70 बार फेरे लेता। काय को इस शादी में इतने सारे लोचे लफड़े कर रही हो? हरी से सेटिंग करो और सब सेट कर दो। हरी, हरी मस्त लड़का है। शैलू जी, शैलू जी कहाँ चली गई? क्या कहना है, किसे कहना है, कुछ नहीं पता। कम से कम जो कहते हो वो तो ढंग से कहा करो। अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, अगर उसकी मम्मी पापा सुन लेते तो बैठे बिठाए मेरे सारे प्यार का राम नाम सत्य कर देते। गुरु सुनो ना, पूरी रात बैठ के मैंने लिखा है। और कौन साला 10 बार शादी करता है? खाली डब्बे कहीं के। अरे आंटी, मैं एक बात पूछना चाहता था, सब एक साथ बैठकर क्यों नहीं खाते? अरे रे रे, ऐसी गंदी आदत इस घर में किसी को भी नहीं है। साथ में रह के भी कोई घर में एक साथ नहीं है। आंटी, दादा कहाँ हैं? ऊपर। क्या दादाजी, सब नीचे बैठे हैं और आप यहाँ ऊपर हैं?
क्या फर्क पड़ता है, मेरे बिना भी तो सब खुश हैं। मेरे साथ ड्रिंक लोगे? ये कोई इस तरह से पूछता है क्या? आपको पूछना नहीं चाहिए, ग्लास थमा देना चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। वैसे दादाजी, आप और श्रीनिवास अंकल, मेरे सामने उसने कमे का नाम मत लो। मैं उसका बाप हूँ या वो मेरा? हैं? मैं घर आया तो उसने मेरे पांव तक नहीं छुए। उसके साथ होता हूँ तो वो गूंगा बनकर खड़ा रहता है। क्या मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ? पहले से वो ऐसा ही है, जिद्दी। शुरू शुरू में हालात कुछ ठीक नहीं थे, उसका बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसने सबसे इतना उधार लिया था कि लोग मुझे ताने मारते थे, जो मुझे कांटे की तरह चुभते थे। उसकी उम्र तो बढ़ी पर धंधा नहीं, फिर भी लगा कि वो जिंदगी जी लेगा। उसे फिर एक बेटी हुई। अंकल, आपको एक पोती हुई है? पता नहीं मैं इससे खुश हूं या दुखी। अब तक मुझ पर उन तीनों की जिम्मेदारी थी, अब एक और की आ गई है, बोझ और बढ़ गया। श्रीनिवास फिर बाप बन गया, लेकिन उस मासूम की क्या गलती है जो उसे ऐसा बाप मिला है? भाई साहब, अंकल ने जो कहा गुस्से में कहा। आज कहा है तो कल बच्चों के सामने भी कह सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने आगे की जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं। और उसी पल वो घर छोड़कर चला गया। बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए वो दूर रहा अपनी पत्नी से और साथ ही अपने बच्चों से। उसने जिंदगी में काफी संघर्ष किया, लेकिन आज जब मैं उसे देखता हूं तो फख्र होता है उस जैसे बाप पर। जब से मैं यहां आया हूं, बात करना तो दूर उसने मुझे देखा तक नहीं है। मरने से पहले जानते हो मेरी आखिरी इच्छा क्या है? वो मुझसे बात करे। लेकिन वो आपसे बात क्यों करे? आप भी तो उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। आप पीताम्बर सिंह हैं, सिंह यानी शेर, शेर पहले कदम उठाता है। हाँ।